आज कोकी बनाएंगे। कोकी माना मीठा रोटी। तो कोकी बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो देखते हैं। गेहूं का आटा 1 कप, गुड़ 1/2 कप, गुड़ मिक्सी करके लिया है, ऑयल, सौंफ, खसखस, तिल, इलायची, अभी एक बर्तन में आटा डाल रही हूँ। सौंफ, खसखस, इलायची, गुड़, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले देखिए, पानी छींटा डाल के ऐसा आटा गूंद लेंगे। जैसे पूरी के लिए आटा गूंदते हैं ना, ऐसा आटा गूंद लेंगे। देखिए आटा गूंद लिया है, अभी इसका लोई बनाएंगे। देखिए ऐसा, अभी एक थाली में तेल डाल रही हूँ। अभी एक एक लोई लेके, तवा गरम करने रखा है, एक एक लोई लेके ऐसा पूरी जैसा बेल लेंगे। थोड़ा मोटा रखेंगे, तिल को ऊपर से डाल के थोड़ा ऐसा बेल लेंगे। ऊपर दिखने में अच्छा लगता है तिल, इसलिए दोनों तरफ ऐसा डाल के बेल लेते हैं। अभी तवा गरम हो गया है, इसके ऊपर मैं कोकी डाल रही हूँ। एक तरफ थोड़ा ऐसा, देखिए अभी इसको एक कपड़े से थोड़ा ऐसा प्रेस करेंगे। मीडियम आंच में, स्लो और मीडियम के बीच में रखना है आंच को। देखिए ऐसा कितना सुंदर कलर आया है, पक भी रहा है। दोनों तरफ ऐसा प्रेस करके पका लेंगे। देखिए जलना नहीं चाहिए कोकी, ऐसा ब्राउन कलर आने से बहुत सुंदर रहता है। एक महीना भी रख सकते हैं। देखिए अभी ये पक गया है, अभी इसको तेल में डालेंगे। तेल में डुबो के निकाल देंगे। देखिए ऐसा तेल में डाल के दोनों तरफ तेल अपने आप जितना चाहिए उतना वो ऑब्जर्व कर लेता है तेल। अभी इसको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। ऐसा घी में भी डाल के निकाल सकते हैं। मैं तेल में डाल रही हूँ, घी में और भी अच्छा टेस्ट रहेगा। अभी मैं एक और भी दिखाती हूँ। देखिए ऐसा बेल लेंगे।
तिल डाल रही हूँ। तिल डाल के थोड़ा एक बार ऐसा दोनों तरफ तिल डाल के थोड़ा बेल लेंगे। अभी देखिए घुमा के फिर कपड़े से ऐसा इसको भी तेल में डाल के डुबो के निकाल देंगे। ऐसे जो भी बचा है उन सभी लोही को भी बना लेंगे। देखिए कुकी तैयार हो गया है, सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। कितना सुंदर कुकी रेडी हो गया है। कुकी मीठा रोटी रेडी।